कुल्लू जिला प्रशासन द्वारा नगर परिषद कुल्लू में ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर वेस्ट टू टेस्ट योजना की शुरुआत की गई थी। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने वर्ष 2019 में इस स्कीम का शुभारंभ किया था। इस स्कीम के लिए अब नगर परिषद कुल्लू को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल्लू जिला में शुरू की गई वेस्ट टू टेस्ट योजना को लेकर नगर परिषद कुल्लू को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नगर परिषद कुल्लू के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण महंत ने बताया कि कुल्लू शहर को स्वच्छ बनाने के लिए नगर परिषद ने वेस्ट टू टेस्ट योजना शुरू की है। इसके तहत नगर परिषद कुल्लू शहर में ठोस कचरा जिसमें प्लास्टिक, शीशा, गत्ता, लोहा लोगों से एकत्र किया जा रहा है ताकि इसका रिसाइकिल कर इसका दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। योजना के तहत MRF केंद्र में एकत्र इन विभिन्न अनुपयोगी चीजों को मनाली के रांगड़ी स्थित कूड़ा संयंत्र में भेजा जाता है, जहां से इसे अल्ट्राटेक को बेचा जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अगस्त 2019 में इस योजना का शुभारंभ किया था। योजना की विशेषता ये है कि जो भी व्यक्ति मोटा कचरा एकत्र कर नगर परिषद कुल्लू को देता है, उसे इसके बदले में कूपन दिया जाता है। इसके तहत वे रेस्तरां में परिवार के साथ निःशुल्क विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। डेढ़ साल में 250 लोग शहर के कुबेर फास्ट फूड, ज्ञानी आइसक्रीम, बुक कैफे और सिटी च्वाइस होटल में कॉफी, सिड्डू आइसक्रीम, पिज्जा, बर्गर और डिनर का आनंद ले चुके हैं। टेस्ट हमने प्रोग्राम चलाया था जो कि 2019 में जन फरवरी में लगभग हमने शुरू किया था इसको, कि माननीय हमारे मंत्री गोविंद ठाकुर थे और उन्होंने DC ऋचा वर्मा ने जो है इसमें हमारी बड़ी LP की उनके सौजन्य से हमने उनके गाइडलाइन में बेस्ट हमारा जो नीचे भूतनाथ के पास हमारा अपना जो है प्राइवेट अपनी लैंड हमारे नाम पर ट्रांसफ़र करके MRF साइट बनाई और वहां पर हमने ये शुरू किया था। जैसा कि आपको पता कि कूड़ों का काफ़ी जो है भरमार थी और काफ़ी इसमें प्लास्टिक जो है प्लास्टिक के लिए तो महत्व है और साथ में प्लास्टिक इकट्ठे करने के एक किस्म पे ये सारी एडवर्टाइजमेंट थी कि हम शहर में इसको लोगों को जागरूक करें। तो इसके लिए हमने ये प्रोग्राम चलाया जिसमें कि 1 किलो इसके बेसेज के जो अपना प्लास्टिक देता था उसको हम चाय कॉफ़ी वगैरह का जो उसमें देते थे, अगर जिसने 2 किलो दिया उसको हम नाश्ता कराते थे, अगर 3 किलो से ऊपर दिया उसको लंच विद फैमिली कराते थे। तो इस ढंग से हमने कोई 250 कूपन उस वक्त बांटे, 250 कूपन। उसके बाद जो है कोरोना लगा, कोरोना काल में ये सारा चीज़ें बंद हो गई और इस करके हमने उसको बंद किया। लेकिन अब जो हमें उस वक्त उसका जो हमने कार्य किया है ये भारत से उसने अप्रिशिएट किया, कई प्राइवेट कंपनी अप्रिशिएट किया, इलियास कंपनी जो है उन्होंने हमें जिसका राष्ट्रीय अवार्ड दिया है। इस योजना जो हमारा जो है बहुत लोगों ने बड़ा साथ दिया है, इसमें लोगों में बड़ी जागरूकता का हमने जो इसमें काफ़ी लोगों में जो है इसमें मोटिवेट किया। जिला प्रशासन व नगर परिषद कुल्लू की ओर से 1.5 वर्ष पहले शुरू की गई वेस्ट टू टेस्ट कैफे योजना के लिए नगर परिषद कुल्लू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।